माननीय प्रधानमंत्री जी के ये मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी के अवसर पर किसानों को एक तोहफा दिया है, एक नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका मैं प्रदेशवासियों की तरफ से दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। ये नई योजना खरीफ 2016 के अंदर लागू होगी और इस योजना में अब तक की जो भी योजनाएं हैं उनकी सब पूरी विशेषताएं जो भी हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है और पहले की योजना की कमियों को इसमें दूर करने की कोशिश की गई है। इस योजना में किसानों के लिए प्रीमियम राशि अब तक की सभी कृषि बीमा योजनाओं से कम है। जब सबसे पहले बीमा योजना हुई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में हुई, जब इनके समय में फिर संशोधन हुआ मॉडिफाइड फसल बीमा योजना 12 राज्यों में इन्होंने पूरे देश में लागू की गई, उस समय प्रीमियम की रेटें बढ़ा के इन्होंने 2 से 11% की गई। उसके बाद फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना इन्होंने लागू की गई, उसमें भी दरें बढ़ी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में किसान हितैषी सरकार होने के कारण से प्रीमियम का हिंदुस्तान में पहली बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में 3.5% प्रीमियम था, अब किसानों से मात्र 1.5% प्रीमियम और 2% प्रीमियम के प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ये किसानों के लिए एक अमृत के समान है और मोदी जी का फैसला हिंदुस्तान में एक नई क्रांति की तरफ ये फैसला होगा और जिस प्रकार का जो फैसला है निश्चित तौर से किसान को ये ज़रूरत थी और किसान इससे लालायित है। निश्चित तौर से वो आज 2 साल पहले जो वोट दिया था आज वो खुश है कि मैंने जिन लोगों को चुना, जो सरकार मैंने चुनी, वो निश्चित तौर से मेरी आशाओं पे खरी उतरी है और किसानों को निश्चित तौर से फायदा होगा। चलिए, किसान को कितना फायदा होगा यही समझने की कोशिश है। जयपुर से कृष्णा कौरानी जी हैं अपनी राय के साथ। नमस्कार परीक साहब। नमस्कार, बताएं सर क्या कहना चाह रहे हैं। परीक साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जब जब किसानों के ऊपर मुसीबत होती है और आप कम से कम बताते दो किसानों के लिए। परीक साहब अभी कल की बात है, कल मैं निवाई गया हुआ था और वहाँ पे एक मेरे माननीय किसान ही थे, मेरे अच्छे मित्र हैं वो जी, राम कुमार जाट जी हैं। मेरी कल उनसे बात हुई, मैंने कहा अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। बोले क्यों? मैंने कहा अब तो मोदी सरकार ने तुम्हारे लोन की और वो व्यवस्था कर दी कम बजट में। उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि कृष्णा जी एक बात बताऊं, ये फायदा किसको मिलेगा? जो इनके आकाओं के टच में होंगे, जो इनके आकाओं के एमएलए एमपी के टच में होंगे, बोला साहब उनको फायदा मिलेगा, हम जैसे गरीब आदमी को कहां से मिलेगा। चलिए मैं इसी पे बात करूं, कृष्णा जी किसको फायदा मिलेगा? खालिद कुरैशी साहब के बाद में मेहमानों का रुख करूंगा। नमस्कार खालिद साहब। सर नमस्कार, बताएं सर। सर साहब जो है सही बोल रहे हैं एकदम, जो योजनाओं का जो फायदा मिलता है वो सब इनका आकाओं को मिलता है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सरकार किसी की भी हो, ना किसानों को कोई। चलिए हम फायदे की जब बात कर रहे हैं तो मंशा को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सबसे पहले सारण साहब आपके पास में आ रहा हूँ। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ रही है तो इसका मकसद क्या लगता है? एनडीए चुनावी वादा तो निभा रही है लेकिन इसके पीछे क्या किसान मंतव्य नहीं है? 1% भी कहीं किसान मंतव्य मुझे तो लगा नहीं। पूरे देश में मोदी जी ने कहा था किसानों की दशा सुधारने के लिए स्वामीनाथन आयोग हम लागू करेंगे, आप हमें वोट दो जी। अब कह रहे हैं हमारे एजेंडे में नहीं है स्वामीनाथन आयोग। ये फसल बीमा किसान को जो मिट्टी की टेस्ट करने के लिए कार्ड दे रहे हैं उसकी ये सोयल हेल्थ कार्ड। हाँ मतलब सोयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ तो किसान देख के बता सकता है मेरी जमीन की क्या पोजिशन है, वो इतना इसको प्रैक्टिकल अनुभव होता है और उसका प्रचार कर रहे हैं। फसल बीमा का अभी कुछ, अभी रामपाल जी जाट साहब कह रहे थे अभी कोई उसकी डिटेल कुछ आई नहीं, उससे पहले प्रचार शुरू कर दिया। और सिर्फ एक कंपनी को सबसे बड़ा डाउट जो है, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। मैं तो हम तो गांव के, आपका क्या सीधा आक्षेप है कि कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बड़ी कोशिश? तौर से 50% 25-26% किसानों से 50% किसानों को और लूटने के लिए, इसका दायरा बढ़ाने के लिए। राजेंद्र जी मैं इस पर जवाब चाहूंगा आपसे, उससे पहले जाकिर साहब की राय जान लेते हैं। नमस्कार जाकिर साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ की सरकार जो ये बीमा योजना किसानों के लिए लागू कर रही है तो इसके ऊपर जैसे बीमा योजना के नीचे कुछ छोटी सी लाइनों में लिए नियम और शर्तें लागू, तो किसानों के लिए फसल बर्बाद होने के 3 या 4 कारण है। पहला हद से ज्यादा बरसात होना और उस दूसरा ये तो दायरे में है, ये सब शर्तें हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये प्रभावी होगा?
नहीं सर ये नहीं, जब ये शर्तें होते सत्ते उनको मुआवजा नहीं मिल रहा तो कारण क्या है? अच्छा पहले भी नहीं हुआ तो आप कैसे मान लिया जाए? दोनों बातों का जवाब राजेंद्र जी पहले आपसे मैं चाहूंगा। एक तो बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, 27% लोग आते थे, ये फायदा ज्यादा हो जाएगा, 50% दायरे में आएंगे। और दूसरी बड़ी बात, बीमा योजना तो पहले भी थी, बीजेपी की ही लाई हुई थी, एनडीए का ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, तो इस बार ऐसा क्या कर देंगे खास? निश्चित तौर से अब जो पूरी जमीन से जुड़ के पूरे किसानों सबकी राज्य सरकारों से राय लेकर के एक अच्छी तरह से मुख्यमंत्रियों को बुला करके राय हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के यहाँ चाहे और भी उन सबसे सलाह लेकर के एक नई योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो पहले 50% नुकसान के खराबे की बात थी उस पर भी मुआवजा देने वाली बात थी, तो उसी आधार पर अब दोबारा 50% जो है निश्चित तौर पर बीमा का ये फायदा किसानों को राजस्थान के चाहे तो पूरे देश के किसानों को मिलेगा। लेकिन आरोप ये क्यों है कि आप बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, किसान की जेब से पैसा निकालना चाह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, ये तो अब सामने योजना आई है, आपको सामने पता लग जाएगा आगे कि कितना फायदा किसानों को होने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा किसानों को होगा और वो योजना जो अब आई है वो निश्चित रूप से सार्वजनिक हो जाएगी और सबके बीच में आएगी, आने वाले सब थोड़ा इंतजार तो करें, निश्चित तौर से फायदा होगा किसानों को। रामपाल जाट साहब आपको लगता है क्योंकि बीता सत्र हमने देखा, बीता साल 2015 राजस्थान के लिए किसान के लिए खासतौर पर काला कहा जाएगा, पहली मर्तबा राजस्थान में बड़े पैमाने पर किसानों ने खुदकुशी की थी, क्या ये फसल बीमा योजना आपको लगता है कि खुदकुशी के मामलों पर अंकुश कस पाएगी? अश्विनी जी ये तीसरी फसल लगातार जो किसान के घर में कम आएगी और कहीं आएगी नहीं, इन स्थितियों से निमटने के लिए जो सरकार की तैयारी चाहिए उसमें तो हुडा कमेटी की सिफारिश है कि उसमें केंद्रीय आपदा राहत कोष में प्रति हेक्टर कम से कम 25,000 रुपये जोड़े हैं, आज तक तो वो जोड़े गए नहीं है। 2010 से दोनों पार्टियों की सरकार आ गई, मेरे पास दोनों दल है, कांग्रेस भी है बीजेपी भी है, दोनों के प्रतिनिधि मौजूद है, आपको लगता है कि किसकी मंशा कमजोर है या फिर दोनों ही आज तक किसान को वोट बैंक समझते हैं? अश्विनी जी अब तक जितनी योजनाएं बनती है वे बनती है कॉरपोरेट जगत के निर्देशन के अनुसार, अभी भी बीमा कंपनियों को तो इसकी हर कमी और बेशी का पता है और किसान को पता ही नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि यदि बीमा, मैं प्रयास को लेकर बात करना चाह रहा हूं, खुदकुशी हर राज्य में हुई है लेकिन आपको क्या लगता है इस बार ये एनडीए का राज कम कर पाएगा खुदकुशी के मामलात को? अश्विनी जी राजस्थान में 65 से अधिक व्यक्ति कोई आत्महत्या के द्वारा और कोई फसल को देखकर अपने प्राणांत समय से पहले कर चुके जी, और ये जो स्थिति पैदा हुई ये केवल फसल पैदा नहीं होने के कारण से हुई, उन स्थितियों को निमटने के लिए हमको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी ये योजना इसमें मुझे लगता है कि केंद्र वो देगा 60% इसमें अपना हिस्सा, 40% देगा स्टेट, और स्टेट की तो 2 वर्ष की पुरानी प्रीमियम वो अब तक ही नहीं आई। चलिए पुराना बाकी है, मैं इस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा मोहन जी, उससे पहले दिनेश जाखड़ साहब है सीकर से हमारे साथ, नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार वारिस साहब। जी सर। वारिस साहब ये यहाँ काफी किसान संगठनों के नेता भी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, महामंत्री जो किसान मोर्चा के, इनको मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि 2115 रुपए प्रति किसान परिवार की पर मंथ आय है, 25,000 रुपए साल में होता है, किसान परिवार काम चला सकता है क्या? और 40% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, 83% जो छोटे किसान है उनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, किस प्रकार अपना परिवार का गुजारा चलाएंगे? मैं 3 बातें यहाँ कहना चाहूंगा, एक तो अगर सरकार बीमा नए बंद कर दो, सरकार किसान को जैसे ही वो अपनी फसल की बुआई कर लेता है उसके साथ ही उसे खर्चा मिल जाना चाहिए, किसानों और मजदूरों को जैसे ही वो 50-55 साल के होते हैं पेंशन मिलनी चाहिए, और कृषि प्रधान देश में कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत होना चाहिए। इसके अलावा मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगा पारिक साहब, आप गौर से सुनना। आप जी सर, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं ठहरा नहीं करते, ये देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं मांगा नहीं करते, हम मेहनत कष्ट इस दुनिया के जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं एक शहर नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। बहुत खूब बहुत खूब, किसान की ताकत अंडर एस्टिमेट नहीं की जानी चाहिए। दिनेश जाखड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन जी ये जो भावनाएं हैं किसान में है लेकिन इन भावनाओं को
जब सियासत में तब्दील करके देखा जाता है तो सिर्फ वोट नजर आता है। ऐसे में क्या ये वोट और वोट के पीछे की मंशा 64 खुदकुशियों को रोक पाएगी हर साल? ऐसा है सोनी जी, आपने देश और प्रदेश के हालात देखे हैं कृषि के क्षेत्र में। पिछली सरकार ने किसान, गांव और गरीब के कल्याण के लिए जबरदस्त योजनाएं बनाई, कितनी सब्सिडियां दी, 90% तक कांग्रेस राज में सब्सिडी किसान को मिली। ये सरकार सत्ता में आते ही सारी सब्सिडियां इन्होंने बंद कर दी, 50% तक सब्सिडी कर दी। ये तो कुछ देर पहले आरोप लगा रहे थे कि आपने बंद किया, हमने शुरू किया। नहीं, पिछली सरकार में सब्सिडियां लगातार मिली है। इस सरकार सत्ता में आते ही किसानों को तो भूल गई, किसान की तो कोई चर्चा ही नहीं है। किसानों की फसलों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, लेकिन एक कंपनियों क्यों कर रहे हैं, पूरी कंपनियों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? सारी कंपनियों को ओपन फील्ड करना चाहिए कि सारी कंपनियां इंश्योरेंस करे, और सेक्टर में भी इंश्योरेंस हो रहा है, चाहे जीवन बीमा की बात करें, चाहे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की बात करें। एग्रीकल्चर के लिए एक कंपनी को क्यों, पर्टिकुलर एक कंपनी को, एक कॉरपोरेट क्षेत्र को फायदा ये पहुंचाना चाहते हैं। इसमें होना ये चाहिए कि सारी कंपनियों को खुला आमंत्रित करें कि आप कोई भी कंपनी आके इंश्योरेंस कर सकती है। प्रीमियम तय इसमें एक होनी चाहिए कि किसान की लागत क्या है, ये किसान तय करेगा। किसानों के जो एक्सपर्ट है उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। किसान ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, सुझाव पर गौर करेंगे महेंद्र जी, आप लोग सरकार के लोगों को यही नहीं पता, सुझाव गौर करेंगे जो है लागत क्या आ रही है, क्या इस सुझाव को गौर करके बनाया गया है प्रस्ताव महेंद्र जी? ये राज्य मतलब राज्य सरकार तो ऑलरेडी पहले जो गवर्नमेंट जब चुनाव हुए तो जो वायदे किए थे कि 7 घंटे बिजली देंगे किसानों को, तो आज दे रहे हैं। आज आम जनता को 22 से 23 घंटे पहली बार हमारे राजस्थान पहली बार ऐसा हो रहा है, 4 बजे बनने जा रहा है और जब उसका ट्रांसफार्मर जल जाता है, बिजली कट जाती है, तो 3 दिन तक कोई नहीं पूछ रहा, और वीसीआर बनने के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे प्रदेश में कि 5 बजे 6 बजे आज लाइट भी अच्छी तरह से है, कई बार पानी की व्यवस्था भी है, आज नदी से नदी जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है, केंद्र सरकार भी चाह रही है, राज्य सरकार भी इस ओर कदम बढ़ा रही है, तो किसान का वातावरण बना हुआ है, हमारी राज्य सरकार अच्छे काम कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, राजस्थान प्रदेश जैसे आरोप लगाते हैं मरने का, कितने किसान मर रहे हैं, कोई किसान नहीं मर रहा, राजस्थान प्रदेश का आदमी इतना मजबूत है, बंसीलाल जी चित्तौड़गढ़ से उनकी राय के साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार बंसीलाल जी, बंसीलाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे आज के मसले पर? जी मैं ये बीमा कंपनी वालों से बात करनी थी, इन्हीं से इसीलिए बोल गए जी। हाँ जी सुन पा रहा हूँ, बताएं अपने सवाल क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे जो पैसा किसानों से हर साल ही लेते हैं ऐसा, और कोई पैसा नहीं मिलते हो रहे, तो सिर्फ सरकार की यूटी योजना है, इससे कोई किसानों को फायदा होने वाला? चलिए किसान को भरोसा नहीं है ये बात भी यहाँ निकल रही है। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। सवाल ये रहेगा कि अगर गिरदावरी का पुराना पैसा नहीं मिला, कई जगह गिरदावरी नहीं हुई, ऐसे हालात में अगर एक कंपनी के भरोसे, जो कि शुरुआत से सारण साहब ने कहा, जो सवाल उठाया रामपाल जी ने, जो सवाल कांग्रेस कर रही है, एक कंपनी के भरोसे क्या पूरे राजस्थान को सौंप दिया जाए तो फिर इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? जानने की कोशिश होगी, मेरा साहब इस पर क्या कहेंगे ब्रेक के उस पर। भारतीय प्रधानमंत्री ने जो किसान बीमा योजना बनाई है, निश्चित तौर से इसमें कुछ अधिकारी और राजनेता ने मिलकर बनाया है, तो निश्चित रूप किसानों को फायदा होगा, ये ऐसा सोच के कुछ बनाया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी जब किसानों के हालात इतनी खराब है कि उनको हाथों हाथ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अभी फसल खराब हो रही है, आलू है, चाहे सरसों है, चाहे कनक है, वो इतनी खराब हो चुकी है। इस जो स्कीम मोदी जी लेके आए हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है किसानों का, कोई भला नहीं होने वाला, इससे किसान अति दुखी, ज्यादा दुखी होंगे। किसान के लिए आर्थिक सुरक्षा योजना बहुत जरूरी है, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, जो भी योजनाएं बनाते हैं उसको पहले खुद समझते हैं, उसके बाद उस योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं।